नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। सहारनपुर खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। अपर प्राइमरी स्कूल चौपरा में आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में परिषदीय स्कूलों के छात्र व छात्राओं ने किया प्रतिभाग। गंगोह सहारनपुर आज बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन चौपुरा गंगोह में किया गया। इस क्रीड़ा प्रतियोगिता में न्याय पंचायत शिकदरपुर के 17 विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का शुभारंभ ग्राम प्रधान ओमवीर सिंह व एसएमसी अध्यक्ष ब्रजपाल शर्मा द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम का संचालन विजय रामदेव व ईशम सिंह द्वारा किया गया। विभिन्न खेलों में न्याय पंचायत के लगभग 200 छात्र छात्राओं ने दमखम दिखाया। खेल प्रतियोगिता में 50 मीटर दौड़ में नाहिद एवं शेया प्रथम रही। 100 मीटर दौड़ में शुफियान व राधिका प्रथम रहे। 200 मीटर दौड़ में मंजीत व राधिका प्रथम रहे। इस विषय में खंड शिक्षा अधिकारी अंबिका प्रसाद ओझा ने बताया कि इस खेलकूद प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य का सर्वांगीण विकास व उनकी प्रतिभा को दर्शाना है। इस दौरान कार्यक्रम में कुलदीप कुमार, प्रमोद कुमार, मनोज त्यागी, दीपक हीना चौधरी, संजय कुमार, सुशील शर्मा, संजय सिद्धार्थ, जसवीर अंकुर, उत्तर देव शर्मा, पुष्पेंद्र कुमार आदि शामिल रहे। कैमरामैन बबिता वर्मा व मोहम्मद कलीम अंसारी के साथ यूपी स्टेट सीनियर रिपोर्टर हामिद हुसैन की रिपोर्ट। सर, आज ये जो खेलकूद प्रतियोगिता हो रही है, ये किस उपलक्ष्य में हो रही है? ये प्रतिवर्ष जो है गवर्नमेंट की तरफ से सभी स्कूलों का आदेश है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल किया जाए। और जब खेल होता है, जो बच्चे जीत के जाते हैं वे ब्लॉक स्तर पर जाएंगे, ब्लॉक स्तर से जो जीतेंगे वो जिले स्तर पर जाएंगे। कितने बच्चे आज प्रतिभाग ले रहे हैं खेलकूद में? लगभग 200 बच्चे। सर,